आपने डिसाइड किया कि ये मेरा आखिरी आईपीएल है, मैंने नहीं। ये कहना है एमएस धोनी का, जब लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टॉस हुआ, जब कप्तान दोनों टॉस पर आए। के राहुल तो अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वो इंजर्ड है और आईपीएल से लगभग बाहर हो गए हैं, तो कृणाल पांड्या आए कप्तानी के लिए और एमएस धोनी आए चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। अब भाई जब कप्तानी के लिए आए, जब टॉस के लिए आए, तो वहां पर जो शोर था इकाना स्टेडियम का वो लाजवाब था। डैनी मॉरिसन वहां पर प्रेजेंटर के रूप में थे और उन्होंने जब एमएस धोनी ने जब टॉस जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, तो भाई एक लगभग 20 से 30 सेकंड के लिए पूरा डैनी मॉरिसन जो है वो पॉज हो गए थे, क्योंकि जो स्टेडियम है वो इतना ज़्यादा शोर कर रहा था कि भाई जिसकी हादी नहीं थी, एमएस धोनी पर फ्रेम थी, डैनी मॉरिसन शांत हो गए कि भाई पहले आवाज़ सुनिए, ये क्राउड का शोर सुनिए, आपके लिए है ये। तो उसके बाद डैनी मॉरिसन ने बातचीत की कि भाई आपने क्यों टॉस जीत के पहले गेंदबाजी लिया, क्या प्लेइंग 11 है, तो ये सब अपडेट दी। बट आखिर में एमएस धोनी एक ऐसी चीज़ बोल गए कि भाई जिसको सुनकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, चाहे वो सीएसके फैन हो या फिर ना हो, क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हैं और अगर एमएस धोनी को आप देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आप खुशी होंगे। तो भाई एमएस धोनी ने आखिर में जब उनसे सवाल पूछा गया, डैनी मॉरिसन ने सवाल पूछा कि आप ये जो फेयरवेल आपका जो चल रहा है वो आप इंजॉय कर रहे हो या नहीं ये पूरे सीजन में, तो एमएस धोनी ने कहा कि भाई आप लोगों ने डिसाइड किया है कि ये मेरा आखिरी आईपीएल है, मैंने नहीं, और उसके बाद वो स्माइल कर गए। तो भाई ये स्माइल में क्या बहुत कुछ छुपा हुआ है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, बट ये जो आखिरी लाइन उन्होंने बोली कि ये मेरा आखिरी आईपीएल नहीं है, ये आप लोगों ने डिसाइड किया है, मैंने नहीं, यानी कि अभी भी शायद कहीं वो सोच रहे हों कि एक आध साल और खेल जाए या एक आध सीजन और खेल जाए। हालांकि उनके जो क्लोज वन है, जो भी केदार जाधव हो, सुरेश रैना हो, बहुत से जो लोग हैं साथ में, वो लोग तो यही बोलते आए हैं कि भाई ये आखिरी आईपीएल हो सकता है, क्योंकि उनकी फिटनेस, उनका जो घुटने की इंजरी है उसके चलते शायद एमएस धोनी अपने आप को पुश ना करे अगले सीजन के लिए। बट यू नेवर नो भाई, अनप्रेडिक्टेबल है क्रिकेट की तरह एमएस धोनी भी, तो देखना होगा कि ये सीजन उनका आखिरी होता है या नहीं। बट फिलहाल ये जो अपडेट दी है ये बहुत ही तगड़ी अपडेट है और सारे फैंस के चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि भाई एमएस ने बोला है कि ये मेरा आखिरी आईपीएल नहीं है, भले ही वो हंसे हैं। अब इस हंसी के पीछे का राज क्या है वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। अब आपको इस बारे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि एमएस धोनी सच में अपना आखिरी आईपीएल सीजन खेल रहे हैं या फिर एक दो साल और खेल जाएंगे, आपकी जो भी राय हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।